बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में है लाइक like थाउजेंड के अंडर ही है मैं ऐसे ऊपर से इलास्टिक मिल जाएगा आपका थ्रेड वर्क है ये ये पूरा थ्रेड वर्क ऊपर आपको ऐसे अस्तर वाला फैब्रिक का ये मिलेगा ऊपर से एम्ब्रॉयडरी दी है ये थ्रेड वर्क है बिल्कुल भी ऐसा प्रिंट वगैरह कुछ नहीं है ये थ्रेड वर्क दिया वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम लोग फिर से करने वाले हैं मीशो ड्रेसेस हॉल आपको मेरे मीशो ड्रेसेस हॉल बहुत पसंद है और ये सब बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में है लाइक like थाउजेंड के अंडर ही है बहुत ही कम प्राइस में है और ये सब आप ऑफिस वेयर के लिए पहन सकते हो तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट कुर्ता सेट से ये बहुत ही प्रिटी लाइक like कुर्ता सेट है और कॉर्टसेट बोल सकते हो लाइक कॉटसेट ही है ये और इतना ज्यादा कंफर्टेबल है मतलब कॉटन फैब्रिक में है अभी जो गर्मी चल रही है उसमें कॉटन फैब्रिक होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और और सबसे अच्छी चीज ये ब्लैक कलर में है लाइक ब्लैक कलर में कभी कोई हॉल में छूट ही नहीं सकता मेरे से फर्स्ट जो आउटफिट है वो ये वाला आउटफिट है इसका फैब्रिक बहुत सही फैब्रिक है लाइक जो कॉटन का फैब्रिक होता है और बहुत ही ब्रीदेबल फैब्रिक होता है वैसा वाला फैब्रिक है और इसको आप कैसे भी पेयर कर सकते हो लाइक बहुत ही मिनिमल ज्वेलरी पहन के ऑफिस बैग कैरी करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा और इसका प्राइस था फोर सेवेंटी फाइव रूपीज और मुझे ये मिला है फोर सिक्सटी टू रूपीज में लाइक ज्यादा डिफरेंस नहीं है बट फिर भी इसमें मैंने सबसे छोटा वाला साइज लिया है जो की था एस और ये मुझे बहुत सही से फिट आया है इसका पैंट भी बहुत अच्छा है तो पहले देखेंगे इसका पैंट पैंट में ऐसे ऊपर से इलास्टिक मिल जाएगा आपको और बहुत ही सिंपल वाला चीज है जो भी फैब्रिक है वो सिंपल है कॉटन फैब्रिक में है आई डोंट नो कि ये धोने के बाद छोटा होगा कि नहीं बट अभी तो फिलहाल बहुत अच्छे से फिट कर रहा है मुझे और इसका टॉप भी सेम फैब्रिक में है ये भी नी के नीचे तक आ जाता है एक वाला कुर्ता और इसका जो नेक है वो वी नेक है और आपको ऐसे लेस वाली डिटेल मिलेगी इसके नेक पे बहुत ही सिंपल ड्रेस है लेकिन बहुत ही एलिगेंट लगता है आप कोई भी ऐसे ब्लैक वाइट बेच ऐसे कलर के कपड़े पहनते हो या फिर मोनोक्रोम uh, करते हो तो बहुत ही रिच लुक आता है इसमें भी वैसा ही है लाइक बहुत ही रिच लुक आता है तो इसके लिए सबसे बेस्ट लगा मुझे ये ये स्लीवलेस है और थोड़ा सा सी थ्रू है लाइक इसके अंदर अस्तर नहीं दिया है कोई भी ब्लैक कलर का स्पेटी टॉप अंदर से पहन लोगे तो चल जाएगा नेक्स्ट जो कुर्ता सेट है वो सबसे महंगा वाला कुर्ता सेट है इस पूरे हॉल में लाइक नाइन नाइनटी का था ये और मुझे मिला है नाइन सेवेंटी थ्री रुपीज में इसलिए मैंने सबसे छोटा साइज मंगाया था जो कि था एस और ये कुछ ऐसा दिखता है मुझे देखते ये ड्रेस बहुत ही अच्छा लगा था क्योंकि इसमें एम्ब्रॉयडरी वाली डिटेल बहुत अच्छी लग रही थी बस मैं श्योर नहीं थी कि जब ये आएगा तो इसमें एम्ब्रॉयडरी होगी या प्रिंट होगा तो स्टार्ट करते हैं इसके पैंट से इसका पैंट प्लेन वाइट कलर के फैब्रिक में लाइक ये थोड़ा सा बेज वाइट है लाइक क्रीम कलर का वाइट है तो ये कॉटन फैब्रिक में बहुत अच्छा फैब्रिक है लाइक रियल कॉटन जैसा होता है वैसा वाला फैब्रिक है और इसका सबसे बेस्ट पार्ट इसका एम्ब्रॉयडरी वाला नेक ये एम्ब्रॉयडरी दी गई है इसमें बहुत अच्छी है लाइक थ्रेड uh, वर्क है ये ये पूरा थ्रेड वर्क है ये सब कुछ थ्रेड वर्क है बहुत अच्छा लगता है और इसका नेक भी वी नेक है पीछे से आपको ऐसा वाला पैटर्न मिलेगा जो लाइनिंग वाला पैटर्न है वो ऐसा दिखता है और आगे से भी आपको ऐसा ही वाला पैटर्न मिलेगा ये लाइंस पे हाथ में भी आपको एम्ब्रॉयडरी मिलेगी ऐसी वाली एम्ब्रॉयडरी मिलेगी हाथ में यहाँ पे भी एम्ब्रॉयडरी है और इसके अंदर अस्तर दिया है तो आपको इसे सोचने की जरूरत नहीं इसके अंदर क्या पहनू ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर अस्तर दिया हुआ है तो बिल्कुल भी सीतरू नहीं है इसका लेंथ नीक के नीचे तक आएगा तो आप इसको भी ऑफिस वेयर के लिए पहन सकते हो बहुत ही अच्छा लॉन्ग लग रहा है कोई भी चीज कट करके उसको छोटा करना नेक्स्ट जो कुर्ता सेट था वो पर्पल कलर का कुर्ता सेट था और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा जो बेसिक मैं खरीदती हूँ उससे थोड़ा सा डिफरेंट लगा ये कुछ वेबसाइट में ऐसा दिख रहा है मतलब इसमें एक पैंट सेट है और एक टॉप है जो नीचे से इसको अस्तर नहीं दिया है ये भी थोड़ा सा नवरात्रि वाइब देता है जो पिछला वाला वीडियो था उसमें जो पिंक कलर का ड्रेस था वो भी नवरात्रि वाइब दे रहा था और ये भी थोड़ा सा नवरात्रि वाइब देता है अगर आप इसको दुपट्टे के बिना पहनोगे तो भी अच्छा लगेगा तो सबसे पहले बात करते हैं इसके पैंट्स के बारे में ये पैंट्स प्लाजो पैंट्स है लाइक इसमें फ्लेयर है जो कि बहुत अच्छा लगता है लाइक एक स्कर्ट का लुक देता है ये इसका कलर ही सबसे बेस्ट पार्ट है इसका कलर बहुत अच्छा लगता है इंडियन स्किन टोन पे मेरे पास और एक ड्रेस है जो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दूंगी उसका कलर भी बहुत अच्छा लगता है आप ये कलर प्रिफर कर सकते हो ऊपर से इलास्टिक दिया हुआ है नेक्स्ट जो चीज है उसका दुपट्टा वो भी प्लेन पर्पल वाले फेब्रिक में है जो बेसिक दुपट्टा होता है वैसा वाला दुपट्टा है लेकिन अगर आपको नहीं पहनना दुपट्टा तो भी पहन सकते हो क्योंकि दुपट्टे के बिना भी ये अच्छा लगता है और सबसे मेन उसका कुर्ता ये कुर्ता यहाँ से बीच में से स्लिट है इसमें जो फ्रंट है इसका एरिया वहां से भी स्लिट है और साइड में भी स्लिट दिया हुआ है ऊपर आपको ऐसे अस्तर वाला फैब्रिक का ये मिलेगा पीछे से आपको एक नॉट भी मिलेगा मैं नॉट का आपको ट्राई ऑन दिखाऊंगी कि पीछे से एक नॉट भी है बहुत अच्छा लगता है बहुत प्रिटी लग रहा है और बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है लाइक बेसिक जो ड्रेसेस होते हैं थोड़ा सा इंडो वेस्टर्न लुक देता है इसका प्राइस था सिक्स फिफ्टी और मुझे मिला है सिक्स फोर्टी में नेक्स्ट जो कुर्ता सेट है वो एक पिंक कलर का कुर्ता सेट है और और सेम मैंने मिंत्रा में देखा है मोस्टली ऐसा होता है कि मिंत्रा के जो भी कपड़े होते हैं वो मीशो में आपको सस्ते में मिल जाएंगे तो ये भी वैसा ही टाइप का कुछ है लेकिन अगर आपको मिंत्रा पे ज्यादा विश्वास है तो आप मिंत्रा से भी ले सकते हो लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दू पर मेरे हिसाब से मीशो से लेना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा सस्ता है तो ये कुछ ऐसा दिख रहा था वेबसाइट पे और इसका प्राइस था एट सिक्सटी मैंने मंगाया था सबसे स्मॉल साइज और ये मुझे मिला है एट फोर्टी में सबसे पहले बात करते हैं इसके पैंट के बारे में पैंट बेसिक प्लेन पिंक कलर के में पैंट्स हैं नीचे से आपको ऐसा वाला डिजाइन मिल जाएगा छोटा सा गोटा पत्ती वाला डिजाइन है और थोड़ा सा यहाँ पे मटेरियल लगाया हुआ है ऊपर से ऐसे इलास्टिक दी हुई है पीछे साइड से और आगे साइड से इलास्टिक नहीं है नेक्स्ट है इसका टॉप टॉप में ऐसे ऊपर से एम्ब्रॉयडरी दी है ये थ्रेड वर्क है बिल्कुल भी ऐसा प्रिंट वगैरह कुछ नहीं है ये थ्रेड वर्क दिया हुआ है बहुत ही अच्छा लग रहा है अगर प्रिंट होता है ना वो बहुत ही चीप लगता है लाइक रियल लाइफ में जब ये आप सामने से देखते हो अगर कोई प्रिंटेड टॉप या अगर ऐसा कुछ पहनता है तो बहुत ही चीप लगता है लेकिन अगर आप एम्ब्रॉयडरी वाला या फिर लेस वाला कुछ भी ड्रेसेस पहनते हो तो वो बहुत ही अच्छा लगता है बहुत ही एलिगेंट लगता है तो ये भी ऐसा ही कुछ है ऊपर से आपको ऐसे वाले एम्ब्रॉयडरी मिलेगी और साइड में ऐसे लंबे से आपको फिर से एम्ब्रॉयडरी मिलेगी हाथ में भी ऐसे कोटा पत्ती वाली डिजाइन है यह भी कुर्ता नी लेंथ के नीचे आता है और इसकी दुपट्टे की बात करें तो इसमें ऐसा वाला एम्ब्रॉयडरी दिया हुआ है और ये ऑर्गेंजा वाले कपड़े में है मोस्टली जो ड्रेसेस होते हैं मिंत्रा वगैरह में उसके जो दुपट्टे होते हैं वो हमेशा ऑर्गेंजा कपड़े में होते हैं तो ये वैसा वाला दुपट्टा है इसको संभालना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन दिखने में बहुत अच्छा लगता है बहुत एलिगेंट लगता है अगर आप आपको अ कोई भी फेस्टिव वेयर के लिए ऑफिस में कुछ पहन के जाना है तो ये आप कंसिडर कर सकते हो शादी वादी में भी पहन सकते हो ऐसा कुछ नहीं है तो दो साइड से आपको एम्ब्रॉयडरी मिलेगी लास्ट वाला जो कुर्ता सेट है ये भी मैंने आ, मिंत्रा में देखा हुआ है अगर आपको मिंत्रा से लेना है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ये कुछ ऐसा दिख रहा है वेबसाइट पे इसका प्राइस बहुत ही कम था लाइक इसके फेब्रिक के हिसाब से इसका प्राइस बहुत ही कम था लाइक ये था सिक्स थर्टी वन रूपीज का और मुझे मिला है सिक्स सिक्सटीन रुपीज में। मैंने मंगाया था सबसे स्मॉल साइज सबसे पहले बात करते हैं इसके दुपट्टे के बारे में बिल्कुल प्लेन सिंपल सा दुपट्टा है जो नॉर्मली आपको मिल जाएगा कहीं से भी पैंट भी मिलेगा आपको पर्पल कलर में इसमें भी कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है प्लेन सिंपल फैब्रिक है और इसके फैब्रिक का एक बात अच्छा है कि बहुत ही सॉफ्ट है इसका फैब्रिक नेक्स्ट बात करते हैं इसके कुर्ता के बारे में पूरे कुर्ते में आपको ऐसा वाला प्रिंट मिल जाएगा और गले में आपको ऐसी एम्ब्रॉयडरी मिलेगी ये नेक है लाइक यहाँ तक नेक आ जाता है इसका और इसमें आपको एम्ब्रॉयडरी दी गई है जो कि बहुत अच्छी लगती है इसके प्राइस के हिसाब से Uh, ये एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़्यादा एलिगेंट है ये सब चीज़ें आप गिफ्ट करने के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं कि ये बहुत अच्छे भी दिखते हैं बहुत अफोर्डेबल भी है लाइक like, सेवन के अंदर अगर आपको पूरा एक ड्रेस का सेट मिल रहा है तो आपको क्या चाहिए और तो इसी के साथ एंड करते हैं आज का वीडियो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए मैं वही वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अंटिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम बाय